सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इंडियन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करते हुए कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने कहा कि कंट्री एक्सपेक्ट करती है कि नए मेंबर्स के पास भी वही अधिकार होंगे जो एक्सिस्टिंग परमानेंट मेंबर्स के पास हैं। इनमें वीटो पावर भी शामिल है। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि इंडिया के पास सभी क्रेडेंशियल्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए और 4 परमानेंट मेंबर्स यूएसए, यूके, फ्रांस और रशिया ने भी सपोर्ट एक्सटेंड किया है। मिनिस्टर ने कहा कि 5th मेंबर चाइना ने भी इसका पब्लिकली विरोध नहीं किया है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार नहीं तो अगली बार इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया को वीटो पावर मिलेगा या नहीं, तो स्वराज ने कहा कि हम नए और पुराने मेंबर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। यह अब क्लियर हो जाना चाहिए कि इंडिया वैसे ही अधिकार चाहता है जो अभी के परमानेंट मेंबर्स के पास हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है ये पक्का करने के लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में ना सिर्फ एक्सपेंशन हो बल्कि उसमें रिफॉर्म्स भी आएं। उन्होंने कहा कि इंडिया काउंसिल की परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबरशिप का भी एक्सपेंशन चाहता है। उन्होंने ये भी बताया कि 69th जनरल असेंबली में इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएशन प्रोसेस के दौरान यूएसए और यूके ने नए मेंबर्स को वीटो पावर देने का विरोध किया था। फ्रांस ने इसका सपोर्ट किया था लेकिन रशिया और चाइना ने इस इशू के ऊपर कोई सबमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि यूएन जनरल असेंबली में इंटर गवर्नमेंट निगोशिएशन के द्वारा डिस्कशन चल रही है और इंडिया और दूसरे प्रो रिफॉर्म ग्रुपिंग्स ने टेक्स्ट बेस्ड को शुरू करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।